हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए एक और शेयर पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। उससे पहले उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहाल पूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। तो चलते हैं दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसका कि मार्केट कैप 1,24,210 करोड़ का है, करेंट प्राइस 88 रुपया, जो कि आज भी ये लो ट्रेंड बनाया था। 52 बी का हाई लो, हाई है 101 रुपया और लो है 67 रुपया 20 पैसा। स्टॉक पी 5.05 का है, काफ़ी लो है इतनी बड़ी कंपनी का स्टॉक पी। बुक वैल्यू 98 रुपया 90 पैसा है, बुक वैल्यू से कम रुपए पर ये कंपनी का शेयर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.41%, ROC 8.09%, ROE 7.17%, फेस वैल्यू 10 रुपया। रिटर्न ओवर 3 ईयर्स का अगर देखेंगे तो प्लस में 19% है और 5 ईयर का अगर देखते हैं तो माइनस में 0.83% है और ROE 3 ईयर्स का देखते हैं तो 15.6% है। रिटर्न ओवर 1 ईयर का देखते हैं तो 30.3% है और ROE 5 ईयर का अगर देखते हैं तो 13.5% है। प्रॉफिट बार 5 ईयर्स का -15.1%। सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स का 14.8%। प्रॉफिट बार 3 ईयर्स 30.7%। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स का 20.3%। रिटर्न ओवर 6th मंथ का 12.1%। रिटर्न ओवर 3 मंथ्स का माइनस में 11.2%। PEG रेशियो माइनस में है, वो भी पॉइंट में 0.33। करेंट रेशियो 0.72 और इंटरप्राइजेज वैल्यू 2,71,090 करोड़। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ऑयल सेक्टर की। इसका 1 ईयर का चार्ट जैसा कि दिख रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर जा करके फिर से नीचे इस तरीके का कंडीशन अपनाता है, लेकिन हाई चार्ट पर बनाया 99 रुपया 85 पैसा और अब ये डाउन ट्रेंड में चल रही है। तो हो सकता है कि कुछ दिन और डाउन ट्रेंड में जाए, लगभग 80 रुपये के भी लेवल को टच कर सकती है। लेकिन उम्मीद है कि उतना डाउन नहीं होगी, क्योंकि इसका क्वार्टर का रिजल्ट आने वाली है कुछ ही दिनों में। इस कंपनी में प्रोज जो है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.89 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से अपने इतना टाइम्स पर ट्रेड कर रही है, 0.89, और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 46.4%, यानी कि डिविडेंड जो पे कर रही है 46.4%, यानी कि अच्छी डिविडेंड है। पीयर कंपैरिजन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरीके का टोटल से 6 कंपनी है। क्वार्टरली रिजल्ट तो जून 2023 में इसने इंटरेस्ट पेड किया था 1,743 करोड़ का, जबकि अदर इनकम पिछले क्वार्टर के अपेक्षा घटा था, 954 करोड़ पर आ गया था।
नेट प्रॉफिट 14,735 करोड़ और ईपीएस 10.22 रुपया। लास्ट 12 मंथ का अगर देखते हैं तो उसमें अदर इनकम 5,024 करोड़ का है और इंटरेस्ट 7,377 करोड़ का, डिप्रिसिएशन भी है 13,499 करोड़ का, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट टैक्स वगैरह काट करके 25,557 करोड़ का हुआ, ईपीएस 17.36 रुपया, जो कि पिछले सालों के अपेक्षा काफ़ी बेटर है एक को छोड़ करके। जैसा कि आपको दिख रहा होगा बैलेंस शीट मार्च 2023 का, तो शेयर कैपिटल 13,772 करोड़ का है, रिजर्व 1,25,949 करोड़ और ब्रोइंग 1,48,977 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट 52,190 करोड़ का है, टोटल एसेट 4,42,039 करोड़ का। टोटल एसेट जो है बढ़ते क्रम में है साल दर साल। कैश फ्लो मार्च 2023 में माइनस में है 180 करोड़ का। जैसा कि आपको दिख रहा है अब शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास में 51.50%, FIs के पास में 7.84%, DIs के पास में 10.70% और गवर्नमेंट के पास में 19.60% और पब्लिक के पास में 10.36%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर देखते हैं तो 19,72,340 इतना लोगों के पास में इसका शेयर है सितंबर 2023 के अनुसार। नीचे में लिखा हुआ है द क्लासिफिकेशन माइट हैव चेंज्ड फ्रॉम सितंबर 2022 ऑनवर्ड्स, यानी कि सितंबर 2022 के बाद में इसमें चेंजिंग हुआ होगा ऐसा बोला जा रहा है। और इस शेयर में दो न्यूज पर ध्यान देना चाहिए। एक है, दो दिन पहले आया है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन 2015। तो इसमें जो बता रहा है एक करोड़ का नोटिस आया हुआ है। नोटिस कैसा है तो VRS जो सिस्टम होता है वो इंस्टॉल नहीं करने का, जहां पर ईंधन फिलिंग होता है। तो ये नोटिस सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के आधार पर है। इस पर कंपनी जांच कर रही है। और दूसरा जो न्यूज है, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर इंडेड 13 सितंबर 2023, जो कि 18 अक्टूबर को आया था। और इसमें जैसा कि बताया गया है ट्यूजडे 31 अक्टूबर 2023 को इसका बोर्ड मीटिंग होने वाला है कंपनी का, तो उस दिन रिजल्ट आने की उम्मीद है मेरे आइडिया अनुसार। बाकी इन्वेस्टमेंट करने का मेरा कोई भी सलाह नहीं है, इन्वेस्ट google.com पे है। पहला है NDTV पर, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 1,720 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, वेतन और अन्य विवरण देखें। तो उसी जगह पे स्टडी कैफे लिखता है IOCL भर्ती 2023
1700+ रिक्तियों के लिए नया अवसर खुला। चेक पोस्ट, आयु, योग्यता, वेतन और अन्य, दो दिन पहले का है और 3 दिन पहले का है जो कि मनी कंट्रोल पर है। रूस भारतीय तेल आयात का 40% हिस्सा बनाता है, ओपेक की हिस्सेदारी में सेंध लगाता है, तो इससे संबंधित न्यूज है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये BSEIndia.com वेबसाइट पे है। इसमें भी वही न्यूज है और आज का जो है 23 अक्टूबर 2023 का डिलीवरी पोजीशन, तो क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 5,90,505 क्वांटिटी और डिलीवरी में उठाया गया 2,35,050। परसेंटेज रहा 39.80% का। इसमें कॉरपोरेट एक्शन बता रहा है, 28/7/2023 को फाइनल डिविडेंड ₹3 का दिया पर शेयर, जो कि करंट में, और बल्क डीलिंग कुछ भी नहीं है अभी। और आज का ये NSE के वेबसाइट पर इसका शेयर प्राइस ₹88.30 बता रहा है। इसमें बाइंग का ऑर्डर अभी भी लगा हुआ है 756 क्वांटिटी का, जो कि ₹87.95 पर। डिलीवरी पोजीशन NSE में आज का IOCL का क्वांटिटी ट्रेडेड हुआ 95,92,121 और डिलीवरी में उठाए 51,85,702। डिलीवरी परसेंटेज रहा 54.06%, तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे भी आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा है, जो कि ऊपर में दिख रहा होगा 260.90 डाउन हुआ है निफ्टी 50। ओवरऑल मुझे यही समझ में आ रहा है, जो कि इस न्यूज में भी बताया गया है, कि 1 करोड़ का जो नोटिस जो मिला है, उसका इम्पैक्ट कंपनी ने बोला है इसके शेयर पे या इसके बिजनेस पे नहीं पड़ेगा। जैसा कि 1 मंथ का चार्ट जो कि दिखा रहा है, तो ये लो हो सकता है कि ₹87.45 मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है, और नहीं तो आगे 2 दिन GH है, उसके बाद में जैसे ही मार्केट खुलेगा अगले दिन, तो उसमें ये शेयर का प्राइस अप ट्रेंड बनाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ भागेगी मेरे आइडिया अनुसार। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट का मेरा कोई भी सजेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट करें तो अपने बुद्धि विवेक और सूझबूझ के अनुसार ही। तो धन्यवाद दोस्तों।